क्या फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है? क्या साउथ के सिंगर हिंदी सॉन्ग गाएंगे? कहानी में कैसे आएगा ट्विस्ट? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, लगता है फिल्म इंडस्ट्री में अब फ्लिप फ्लॉप का गेम शुरू हो गया है। तभी तो साउथ में काम करने वाले एक्टर हिंदी सिनेमा की कहानी से इंस्पायर हैं और नॉर्थ में काम करने वाले एक्टर साउथ सिनेमा की कहानी से इंस्पायर हैं। और इसी इंस्पिरेशन के चलते भाईजान विजय थलापति की मास्टर रीमेक बनाकर हम सबको खुश करने वाले हैं। जब से मूवी की साउथ स्टोरी सबके सामने आई है, तभी से सभी का यही कहना है कि मूवी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। कई रिपोर्टों ने दावा किया कि ये फिल्म साउथ कोरियाई फिल्म साइलेंस से प्रेरित है। हालांकि लेखक पोन पार्थिबन ने कहा कि ये फिल्म एक वास्तविक जीवन की कहानी है जो एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जिससे वह परिचित हैं। जब साउथ की मूवी मास्टर का टीजर लॉन्च हुआ था, तो कई फैंस ने मूवी के टीजर को 2017 ममूटी की मलयालम व्यावसायिक फिल्म मास्टरपीस से कंपेयर किया था। फिल्म में एडवर्ड लिविंगस्टन, जो एक प्रोफेसर के रूप में दिखाई देता है, अपने छात्रों के बुरे व्यवहार को अपने तरीके से हैंडल करता है। तो साउथ में रिलीज होने से पहले कई बातें हुई थी फिल्म को लेकर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो फिल्म देखकर ही हमें पता लगेगा। फिलहाल इस बात पे कोई कंफर्मेशन अभी नहीं लगा है। वैसे अगर आप सभी ने कभी साउथ के सॉन्ग सुने हो, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि उनके सॉन्ग्स फुल ऑफ मेलोडी होते हैं, जिससे उनकी ऑडियंस बड़े ध्यान से गुनगुनाती है। ऐसा ही कुछ मास्टर फिल्म के साथ होते हुए नजर आया था। और अब जब भाईजान इस फिल्म का रीमेक बना रहे हैं, तो हो सकता है अपनी फिल्म के सॉन्ग्स को बेहतर तरीके से ऑडियंस के सामने रखने के लिए वो ले आए साउथ के सिंगर को। ऐसा हुआ तो देखना और सुनना मज़ेदार होगा कि कैसे कोई साउथ सिंगर एकदम लैंग्वेज बदलकर अपने टैलेंट का प्रदर्शन करता है। आप सभी को पता होगा कि ये कोई नई बात नहीं होगी जब कोई अलग भाषा का सिंगर अपनी आवाज़ में दूसरी भाषा में सिंगिंग करेगा। इससे पहले भी कई बार बॉलीवुड के सिंगर टॉलीवुड हीरो हीरोइन के गानों के लिए अपनी आवाज़ दे चुके हैं, तो ये कोलैबोरेशन देखने में एक बार फिर मज़ा आने वाला है। हम सबको पता है कि हीरो के नाम पर ही हमेशा फिल्म का टाइटल होता है, लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी हटके है, जिसका खुलासा मैं आज नहीं करूंगी। लेकिन ये जानना थोड़ा मुश्किल है कि मास्टर का बिहेवियर एकदम से क्यों बदल जाता है। जो भी फिल्म में होता है, उसमें उनके पास से तो कोई कनेक्शन नहीं होता। अब यही तो होगा कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट। देखते हैं बॉलीवुड सिनेमा के मेकर्स इसे कैसे बड़े पर्दे पर दिखाएंगे, क्योंकि इस बार ट्विस्ट वही होगा पर कहानी नई होगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और बॉलीवुड अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें।